Welcome to the online lecture of Sharad V. More English High School. So students, today I'll start practice set 22. Question number 1. Carry out the following additions of rotation number. अब इसके पहले हम लोगों ने जो रेशनल नंबर है उसका इंट्रोडक्शन देखे थे, उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो वो मैं आप लोगों को इसके पहले यस्टरडे जो लेक्चर लिए थे उसमें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, राइट? सो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड देन डिविजन, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू द एडिशन. आपको क्या करना है? एडिशन करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन, अब एडिशन के भी दो मेथड देखे हम लोग ने, बाय मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम और बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, राइट? सो हियर इन फर्स्ट क्वेश्चन द रेशनल नंबर्स आर 5/36 एंड 6/42, राइट? नाउ 36 एंड 42 दे कांट बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर बिकॉज वो एक टेबल में नहीं आते. तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हियर, राइट? आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एंड देन यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, सो 5/36 प्लस 6/42, ये आपका क्वेश्चन है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज 5/36, 6/42, 1/2/3 प्लस 2/4/5. यस, क्वेश्चन नंबर 1. ओके, सो आपको एडिशन करना है एंड द नंबर्स आर 5/36 एंड सेकेंड नंबर इज 6/42. ओके, नाउ सो 36 एंड 42, आपको क्या करना पड़ेगा? ये दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते तो आप इसको इक्वल नहीं कर सकते हो नंबर्स को, बट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट? सो व्हाट यू विल डू हियर, यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई द नंबर्स टू ऐड द रेशनल नंबर. नाउ 5/42 प्लस 6/36 एंड द नंबर्स दे आर प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर, यू हैव टू मल्टीप्लाई देम विद ईच अदर. ओके, सो 36/42. नाउ 5/42, आपको क्या करना है? 42 को 5 से मल्टीप्लाई करना है. सो 2 5s are 10, 0 1 कैरी, 5 4s are 20 प्लस 1 21, इट मीन्स हियर यू विल गेट 210. ओके, नेक्स्ट देन 6 को आपको क्या करना है? 36 से मल्टीप्लाई करना है. 36 6s are 216. ओके, When you will multiply 36 with 6 like this, आपको क्या मिलेगा? 216, 36, 6 यहाँ पे लिखोगे, 3 कैरी करो, राइट? 6 3s are 18, 18 प्लस 3, 21. सो हियर यू विल गेट 216. ओके, नाउ अपॉन 36 into 42, मीन्स आपको क्या करना है? 36 and 42 को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. सो 6 2s are 12, सो 2 यू विल राइट हियर, 1 कैरी, 3 2s are 6 प्लस 1 7, 6 4s are. ओके, यहाँ पे क्या करोगे? सबसे पहले यू विल पुट द जीरो हियर इन द सेकेंड स्टेप, राइट? 6 4s are 24, 4 यू विल राइट हियर, 2 कैरी करोगे. नाउ 4 3s are 12, 12 plus 2 14, राइट? सो 2 plus 0 2, 7 plus 4 11, 4 plus 1 5 1. सो व्हाट यू विल गेट हियर? 1 5 1 2, 1 5 1 2. ओके, सो नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू विल डू, यू हैव टू ऐड दिस नंबर 210 एंड 216 एंड 1 5 1 2 विल बी एज इट इज. 210 में आप क्या करोगे? 216 को ऐड करोगे. 6 plus 0 6, 1 plus 1 2, 2 plus 2 4, मीन्स आपको आंसर क्या मिला? 426/1512. सो इट्स योर फाइनल आंसर. ओके, नाउ दे कैन बी कैंसल विद द टेबल ऑफ 2. ओके, आप इसको फर्दर कैंसिल कर सकते हो, 2 के टेबल से सिंप्लीफाई कर सकते हो. सो
टू सेवन ज़ा 14 वन कैरी करोगे, टू फाइव ज़ा 10 वन कैरी करोगे, टू सिक्स ज़ा 12, टू टू ज़ा 4, टू वन ज़ा 2, टू थ्री ज़ा 6, मीन्स क्या मिला आपको आंसर 213 अपॉन 756. सो ये क्या आपका फाइनल आंसर है. ओके, 213 अपॉन 756. नाउ गो थ्रू द सम वंस अगेन. व्हाट इज द प्रोसीजर? देखो सबसे पहले आपका जो नंबर है 5 अपॉन 36 एंड 6 अपॉन 42, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो नंबर्स है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. मीन्स 5 को 42 से करोगे आप, देन एडिशन की साइन मिडल साइन है यहाँ पर, सो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, प्लस की साइन ही लगाओगे. देन 6 मल्टीप्लाई बाय 36, देन डिवाइड की साइन आएगी, देन डिनोमिनेटर में जो नंबर्स है 36 एंड 42 वो दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे. ओके क्लियर? देन 5 इंटू 42 210, 6 इंटू 36 216, देन 210 को आप 216 में क्या करोगे, ऐड करोगे, सो यू विल गेट 426. एंड डिनोमिनेटर में जो नंबर आपको ऑब्टेन हुआ है 36 मल्टीप्लाई बाय 42, दैट इज 51512. ओके, अब जो नंबर है आपका 426 अपॉन 1512, दैट इज द फाइनल आंसर. बट यू कैन सी हियर, यू कैन कैंसिल बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द टेबल ऑफ 2, है ना, आप 2 के टेबल से कैंसिल कर सकते हो. सो व्हाट यू विल डू, यू विल कैंसिल देम बाय द टेबल ऑफ 2. सो 2 7s आर 14, 1 कैरी किया आपने, 2 5s आर 10, अगेन 1 कैरी करे, 2 6s आर 12, देन न्यूमरेटर में 2 2s आर 4, 2 1s आर 2, 2 3s आर 6, सो योर आंसर इज 213 अपॉन 756. ओके, 213 अपॉन 756, अंडरस्टूड प्रॉपरली? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, ट्वेल्व अपॉन थ्री प्लस 24 अपॉन 5, ट्वेल्व अपॉन थ्री प्लस 24 अपॉन 5, ये सेकेंड क्वेश्चन है. ओके, नाउ अगेन यू विल डू हियर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो 12 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस, मिडल साइन प्लस आएगी, देन 24 मल्टीप्लाई विथ 3, देन डिनोमिनेटर में जो नंबर्स है आप उसको क्या करोगे, दूसरे से मल्टीप्लाई, 3 को 5 से, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, अंडरस्टूड? क्लियर? नाउ 12 5 से आप क्या करना है, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 12 5 से 60, सो यू विल राइट हियर 6060. देन नेक्स्ट, प्लस 24 3s आर 24 का आपको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 4 3s आर 12, सो 2 यू विल राइट हियर, 1 कैरी करोगे, 3 2s आर 6, 6 प्लस 1 7, सो यू विल राइट हियर 72, 72, एंड देन डिनोमिनेटर में दो नंबर्स है 3 एंड 5, 3 5s आर 15, सो यू विल राइट हियर 15. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप यू विल ऐड नंबर 60 एंड 72, आप क्या करोगे 60 और 72 को ऐड करोगे, सो व्हाट यू विल गेट हियर 132, सो योर फाइनल आंसर इज 132 अपॉन 15, अंडरस्टूड प्रॉपरली? सेकेंड क्वेश्चन का आंसर समझ में आया? आपने सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करे 12 बाय 5 एंड 24 बाय 3, सो 12 5 इज 60, 24 3 इज 72, 60 प्लस 72 विल गिव यू 132, एंड डिनोमिनेटर में जो नंबर्स है 3 इंटू 5, 3 5 इज 15, ओके, मल्टीप्लीकेशन पैटर्न समझ में आया आपको, ये नंबर्स क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाएंगे, न्यूमरेटर में रहेंगे, और जो डिनोमिनेटर में जो नंबर्स है 3 और 5 वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन, 11 अपॉन 17 प्लस 13 अपॉन 19, नाउ अगेन व्हाट यू विल डू, यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई द नंबर्स, राइट, 11 को आप 19 से मल्टीप्लाई करोगे, 13 को 17 से, एंड देन डिनोमिनेटर में 17 और 19 को मल्टीप्लाई करोगे, सो आई विल राइट हियर 11 इनटू 19,
plus 17 into 13 upon 17 multiplied by 9. Okay. Now, 11 को 90 से आप मल्टीप्लाई करोगे. सो व्हाट यू विल गेट हियर, 9 ones are 9, 9 ones are 9. इन नेक्स्ट स्टेप यू विल ऐड अ 0 एंड देन 1 ones are 1, 1 ones are 1. प्लस करोगे 9 plus 0 9, 9 plus 1 10, 0 1 कैरी, 1 plus 1 2. सो व्हाट यू विल गेट हियर, 209. ओके. प्लस देन नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, 17 एंड 13 को मल्टीप्लाई करोगे. 7 3 21, सो यू विल राइट हियर 1 and 2 कैरी. 3 ones are 3 plus 2, दैट इज 5. In next step, you will add a 0 here. 7 plus 7 into 1, 7. Then 1 ones are 1. So 1 plus 0, 1. 7 plus 5, 12. 2, you have to likh hoge, 1 carry. 2, 1 plus 1, 2. So your answer is 221. Now, ab 17 ko aapko kise multiply karna hai? 19 se. So, let's multiply 17 and 19. 9 7 6 3 3, यहाँ पे लिखोगे, 6 कैरी करोगे. 9 ones are 9 plus 6, आपको क्या मिलेगा, 15. नेक्स्ट स्टेप से पहले आप 0 लगाओगे, 7 ones are 7, 1 ones are 1. सो योर आंसर इज 3 plus 0 3, 7 plus 5 12, 2 यहाँ पे लिखोगे कैरी करोगे, 1 1 plus 1 plus 1 3. सो योर यू विल गेट 320. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, जस्ट फाइनल स्टेप में जो न्यूमरेटर में दो नंबर्स है वो दोनों आप क्या करोगे, ऐड करोगे. मीन्स 209 में 221 आपको क्या करना है, ऐड करना है. ओके, 9 plus 1 10, 0 लिखे 1 कैरी कर दिए. 2 plus 0 2 plus 1 3, 2 plus 2 4, मीन्स आपका फाइनल आंसर क्या आया, 430 upon 323. अंडरस्टूड? So here we have completed third question. Now, last one, question number one का fourth part. Fourth part में आपको given numbers है 2 is to 3 upon 11. It's a mixed number. Okay, आपको सबसे पहले इसको rational में convert करना पड़ेगा. And then you will add these numbers. Okay, and 1 is to 3 upon 77. Okay, now. लुक एट दिस नंबर, दे आर द मिक्स फ्रैक्शन. सो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये रेशनल में कन्वर्ट करना है. सो हाउ टू कन्वर्ट दिस नंबर इन टू रेशनल, आप क्या करोगे, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसको न्यूमरेटर वाले पार्ट से इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे. एंड देन उसमें जो 11 2 ज़ा 22, एंड देन उसमें जो 3 है वो ऐड करोगे आप. सो 11 into 2 plus 3, लाइक दिस, एंड डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा. देन 77 into 1 plus 3, and 77 as it is right now. 11 2 ज़ा 22 20 25, it means here you will get 25 upon 11. 77 ones are 77 77 plus 3 80, so here you will get 80 upon 77, right? Again, once again I'll explain क्या किया आपने. सबसे पहले इसको रेशनल में कन्वर्ट करे. सो व्हाट यू हैव डन हियर, आपने 11 को 2 से मल्टीप्लाई करे एंड उसमें 3 ऐड करे. सो 11 into 2 plus 3, डिनोमिनेटर एज इट इज. ओके, देन यहाँ पर भी आपने क्या किया, 77 को 1 से मल्टीप्लाई करें एंड देन उसमें 3 ऐड करें, डिनोमिनेटर एज इट इज. ओके, नाउ 11 2 ज़ा 22 plus 3 25 25 upon 11, प्लस 77 1 ज़ा 77 plus 3 80 80 upon 77. ओके, अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है. नाउ इट्स द रेशनल नंबर, नाउ यू विल ऐड देम. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द डिनोमिनेटर, 1177. Now 11 can be converted into 77, right? 1177 में convert हो सकता है. Therefore you will not cross multiply this number. आप क्या करोगे, जो 11 है उसको simply 77 में convert करोगे तो denominator equal हो जाएगा. Okay? Then you will add them simply. So 11 को आप 77 में convert करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 से multiply. So you will multiply 11 by 7. Okay? 25 upon 11. अब 11 को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया. नाउ इट्स द रूल कि आप अगर किसी भी नंबर से, पर्टिकुलर नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो आपको न्यूमरेटर में भी सेम चेंजेस करनी है. सो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई करोगे. ओके, क्लियर? नेक्स्ट स्टेप. नाउ आप
क्या करना है आपको, 25 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, ओके? ओके, 25 7 था, दैट इज 175, एंड देन 11 7 था 77, प्लस 8080 अपॉन 70. Now, 175. Now look here, the denominator is now same, right? 77. तो आप simply क्या कर दोगे, जो दोनों भी numbers में numerator है उसको add करोगे and एक बार denominator लिखोगे one time. Now 175 plus 80. आपको 175 में 80 add करना है. So 8 plus 7, 15. So 5 यहाँ पे लिखोगे, 1 carry करोगे, 1 plus 1, 2. It means your final answer is 255 upon 77. Okay. So when you will add these numbers, you will get 255 upon 77. Okay. Now, so here we have completed first question. Now, second question, question number 2. Question number 2 is subtraction. Carry out the following subtractions involving rational numbers. Now, the same method, same process jo hum log ne addition ke liye follow kiya, that we have to follow for subtraction. Means denominator same hona chahiye. If it's not same, aapko usko equal karna hai by using either of the method. Aap kya kar sakte ho? Denominator equal kar sakte ho, or else aap cross multiply bhi kar sakte ho, right? So you will use the same method, but difference kya hoga? Instead of adding the numerator, you will subtract the numerators, okay? Now, let us continue with the second question. So question number second ke jo parts hai, kya kya hai? First part is 7 upon 11 minus 3 upon 7, first part, okay? Number second, first one, 7 upon 11 minus 3 upon 7. Okay, now what you will do, you will cross multiply the numbers, right? 7 multiply by 7, middle sign always jo गिवन है क्वेश्चन में आप कोई यूज करोगे, वहां पर प्लस था, राइट, एडिशन था. नाउ यहां पे सबट्रैक्शन है, से साइन कौन सी यूज करोगे, मिडिल में माइनस, ओके. नाउ 11 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 11 और 7, ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई करोगे, ओके. 7 7 जा 49 माइनस 11 3 जा 33, 11 7 जा 77. नाउ 49 में से आप 33 माइनस करोगे, 9 माइनस 3 6, 4 माइनस 3 3. So your final answer is 36 upon 77. Clear hai? Simple question tha. 7 upon 11 hai, 3 upon 7 hai. Then 7 7 ko multiply kiye, 11 3 ko multiply kare. And middle sign minus rakhi, okay? And then denominator ke dono numbers ko multiply kiya. 7 7 is 49 minus 11 3 is 33. 49 minus 33, 36. 11 7 is 77. Now they can't be cancelled, right? एक singular table से cancel नहीं हो सकता, that's why we have to keep it as it is. It's our final answer. Now question number 2 का second part. Second part में आपको question है 13 upon 36 plus, sorry, minus 2 upon 40. Okay? Now 36, 40 again, they can't be converted into each other because common table mein nahi aayenge. Aur cancel bhi nahi ho raha hai ki aap cancel karke isko simplify kar sako. So that's why we have to cross multiply these numbers. Okay?
सो 13 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 40 से, मिडल साइन माइनस रखोगे, 2 को 36, राइट। नाउ फिर आपको नीचे डिनोमिनेटर में जो 36 और 40 है वो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ओके 36 एंड 40। नाउ 13 को 40 से मल्टीप्लाई करना है, सो आप रफ में करके क्या करोगे, आंसर कैलकुलेट करोगे, 40 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, ओके 3 0 जा 0, 4 3 जा 12, 0 1 0 जा 0, 4 1 जा 4। अब क्या करना है, 120 में 400 आपको एंड करना है, सो यू विल गेट हियर 0 2 5 4 प्लस 1 5, 520 मिलेगा, ठीक है, माइनस की साइन, मिडल साइन माइनस रही। नाउ 36 को आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई यू विल गेट 72। नाउ नेक्स्ट स्टेप, 36 और 40 मल्टीप्लाई करना है, सो 4 6 जा 6 0 जा 0, 4 6 जा 24, 3 0 जा 0, 4 3 जा 12। नाउ आपको क्या करना है, 240 और 1200 ऐड करना है, 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 0 4, 2 प्लस 2 4 1, so your answer is 1440, right? अब further calculation आएगी, 520 में से 72 क्या हो जाएगा, subtract हो जाएगा, so 520 में से आपको 72 minus करना है, and denominator में 1440 as it is रहेगा, okay? 520 minus 72, now 520 में से आपको क्या करना है, 72 minus करना है, so 10 minus 2 8, right? नाउ 1 में से 7 कैंसिल नहीं होगा, 1 अगेन कैरी करोगे आप, सो नाउ इट्स 11, 11 में से 7 कैंसिल करोगे आप, माइनस करोगे, सो यू विल गेट 4, एंड ये 4 है तो ये 4 आज राइट, 448। नाउ सो हियर यू विल गेट 448, आपको क्या आंसर मिला, 448। अब 448 एंड 1440 आपको क्या करना है, कैंसिल करना है कॉमन टेबल से, right, they can be cancelled by the table of 2, by the table of 4, let me check, cancel karna hai, okay, now 4 1s are 4, 4 1s are 4, 4 2s are 8, right, 4 3s are 12, 2 carry kar diya apne, now it's 24, 4 6 are 24, 0 will be as it is, right? So now, it's now 1 1 2 upon 3 6 0, 30, 360, right? Now, they can be cancelled further by the table of 2, right? 2 5 are 10, 1 carry kare, 2 6 are 12, right? 2 1s are 2, 2 8s are 16, 0 as it is. Means now what you are getting? 56 upon 180, right? Of direct 4 se bhi further cancel kar sakte ho, right? For example, aapko answer kya mila hai? 112 and 360, right? So, 4 ke table mein 36 aayega 9th place pe, right? 360, तो 0 as it is रहेगा। Now 4 1s are 4, 4 2s are 8, remaining क्या है? 3। Now 4 के table में 32 कौन सी place पे आएगा? 8th place पे, right? So 4 8s are 32। So now you got the final answer as 28 upon 90, right? Now again they can be cancelled by the table of 2. 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8. 1 remaining, 2 5s are 10, means now you are getting as 14 upon 45, okay? So means आपका जो number है, formal आपका जो direct result मिला था आपको 448 upon 1440 था, अब उसको आप cancel कर सकते हो by the table of 4, 2, okay? अब ज़्यादा cancel हो सकता है, 14 and 45 वहाँ तक आपने करे, now further they can't be cancel, right? With a similar table, कोई भी same table में नहीं cancel होगा, decimal point में value आएगी, so now you have to keep it as it is, because हमको rational number चाहिए, not a decimal value, okay? So 14 upon 45 is our final answer, okay? So ये second part complete हो गया question number 2 का, understood properly?